How can one help, encourage, motivate oneself to stick to sadhana and never deviate from it, to stay neutral in the world of duality? बेसिकली बात है, धर्म समय हमारा बना रहे, तो धर्म समय बनाने के लिए जो हमारे भगवान की शिक्षा में मुख्य बात आती है कि दुख संज्ञा हमारी पुष्ट हो जाए, हमें सचमुच में समझ में आ जाए कि जो संखार है सब्बे संखारा दुखाती, ये बात अगर सचमुच में समझ में आ जाए, गहराई से समझ में आ जाए, अनुभव पे आ जाए, तो फिर दुख मुक्ति की ओर अपने आप मन अग्रसर होगा। अभी जो हम सुत्त अगले संडे को चर्चा करेंगे उसमें इसके ऊपर काफी डिटेल डिस्कशन भी होगा। आज शाम को बंते जी चैंटिंग कराएंगे तो उसमें जब दुख संज्ञा की बात आएगी तो आप देखिएगा उसमें क्या कहा गया है कि दुख संज्ञा किसकी जब पुष्ट होती है तो क्या उसका लाभ होता है, कि वो समझ जाता है कि परिस्थितियां जीवन की जो है, जो सेंसरी रेल्म है, जिस ह्यूमन रेल्म है और इवन देवा रेल्म है, दे आर ऑल ट्रांजिएंट, दे आर ऑल बेसिकली अनसेटिस्फैक्टरी। तो इतना धर्म संवेग जागता है इस संसार चक्र से निकलने का अपने आप ही उस कारण से, जैसे कि कोई तलवार लेके पीछे खड़ा हो कि जरा सा आपकी सजगता छूटी तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो इस तरह से कहते हैं, इतनी उसकी सजगता जागती है, समय व्यर्थ नहीं करता। दीज आर द एग्जाम्पल वर्ड्स विच आर यूज, यू विल नेवर यूज वेस्ट हिज टाइम, यू विल नेवर बी इंडोलेंट, वो कभी भी प्रमाद में जा ही नहीं सकता क्योंकि निरंतर उसको ये भाव रहता है कि पता नहीं, मरण संज्ञा की भी जो बात इसीलिए कही जाती है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, तो आई मस्ट बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट। सो दीज आर दी मेथड्स, कुशल उपाय जो भगवान ने सजेस्ट किए हैं, और जो संज्ञाएं हैं वो तो ऐसी हैं कि उनको ही अगर हम डेवलप करेंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो दीज आर जनरली दी रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपिंग दी धम्म संवेग, ताकि हम भूलें ना, क्योंकि अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का ओकेजन हुआ हो जिसकी मृत्यु निकट है, तो आप देखेंगे उसके मन में फालतू की चीज कोई नहीं आएगी। अगर समझदार है तो वो यही सोचेगा कि मैं क्या करूं ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो, हर आदमी यही सोचता है। हमारा एक चैंटिंग भी है उसमें, पंबत उपमा सूत्र में नहीं कि चैंटिंग बुक में, कि वो प्रसन्न जीत आते हैं भगवान के पास, बूढ़े हो रहे हैं, तो वो उनको अपनी बताते हैं मैं किन चक्रों में पड़ा रहता हूँ, राजाओं के चक्रों में। देन बुद्धा गिव्स हिम ए ब्यूटीफुल सिमिली कि राजा ना आपके पास अगर चारों दिशाओं से आपके मैसेंजर्स आते हैं कि राजा ने एक बहुत बड़ा पहाड़ जितना बादलों को छूता हुआ पहाड़ जो है क्रश करते हुए सबको चारों तरफ से आ रहा है, तो क्या करोगे आप? कहते क्या करूंगा, अब जो मरना ही निश्चित है तो कुन्य करूंगा, अच्छे काम करूंगा ताकि भविष्य सुधर जाए। सो देन बुद्धा चेंजेस दैट सिचुएशन टू आई अनाउंस टू यू द ग्रेट किंग, ओल्ड एज डेथ एंड इलनेस rolling down on you from all the directions. So now you decide whatever you have to do. So that's the way of developing dhamma samay. So agar aadmi is tarah se vichar kar sake, to phir samay vyarth karne ki gunjayish nahi reh jayegi. Bilkul ati bahut hi strong dhamma samay jagta hai us baat ko samajh ke.